वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू यू ऑप्शन गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं आज हमने ओवरऑल कैसी मार्केट देखी। तो गजब की मार्केट थी आज। ओवरऑल मॉर्निंग में कंटिन्यूस बहुत शार्प फॉल देखा। इम्पोर्टेंट जो लेवल था, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी बात की थी एंड जिस जोन की भी बात की थी इंट्राडे में, वो ब्रेक होता हुआ दिखा एंड उसके बाद बहुत शार्प सडन फॉल आया। जब इंट्राडे का 5 मिनट चार्ट देखेंगे तब आपको दिखाएंगे कि वहां से जब वो लेवल ब्रेक हुआ था तो एग्जैक्टली वहां से कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला था हमें मार्केट में, जहां हमने डे लो बनाया वहां तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उतनी ही शार्प रिकवरी भी देखने को मिलती है मार्केट में। लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का बाउंस बैक भी देखने को मिला निफ्टी में एंड जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था वो मार्केट ने फिर से होल्ड किया है। प्रीवियसली सेम ऐसा ही 18th ऑफ जून को भी हुआ था, तब भी सिमिलर मार्केट देखी थी, वो भी आपको बताएंगे। इस बार का डिप एक्सपेक्टेड था जहां तक, वो भी कंप्लीट हो गया। जो कंटिन्यूस हम मूव देख रहे थे मार्केट में रेंज टू रेंज, फिर से वो रेंज एक और बार मार्केट में कंप्लीट कर दी। तो इंट्राडे मार्केट तो डिटेल में जानेंगे, साथ साथ ये जानेंगे कि आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। कल एक्सपायरी है, इंटरेस्टिंग डे है, मंथली एक्सपायरी है, तो कैसी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, क्या ट्रेड सेटअप हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन, क्या मूव्स देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नया सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लो यार, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम ही देखते हैं। तो क्या हुआ इस बार मार्केट में, देखिए प्रीवियसली आपको बताया हुआ है रेंज टू रेंज इस टाइप से हम वर्क कर रहे थे, ठीक है। इस बार 15900 का फिर से टॉप लगाया था, वहां पे फिर से बताया था कि नहीं ब्रेक हो रहा है, लोअर साइड आनी चाहिए मार्केट। कल यहां तक थी और आज फिर से वो ट्रेंड भी मार्केट ने कंप्लीट कर दिया लोअर साइड जोन आने का। जो हर बार आते थे अपसाइड से, फिर से लोअर साइड जोन पे आ गए और इंट्राडे में तो दिख रहा है कि जोन शायद ब्रेक हो रहा है। लेकिन आप देखो कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारा कौन सा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में। तो इंट्राडे में तो जरूर दिखा कि डिप आ रहा है, लेकिन इंट्राडे में ही बाउंस बैक भी आया और हमारी क्लोजिंग फिर से लेवल के अबव आए और फिर से हम अपसाइड जाने की तैयारी में आ चुके हैं। और आज की कैंडल आप देखिए और यहाँ सिमिलर कैंडल आपको दिखेगी, ये जो मैंने आपके लिए मार्क किया है, आप देखिए दोनों कैंडल्स बहुत ही सिमिलर है। अपर लेवल से फॉल आया था, कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला, हाँ भी हमें आज भी देखिए आप बहुत शार्प कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन लोअर लेवल से बाइंग आई है और यहाँ भी लोअर लेवल से बाइंग आई थी और काइंड ऑफ हैमर कैंडल बन रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल देखने को मिल रही है, आप दोनों कैंडल में देखिए इतनी ही बड़ी विक है, यहाँ भी इतनी ही बड़ी विक है, बॉडी स्मॉल है लेकिन अपसाइड की तरफ ही हमारी क्लोजिंग आई है। तो काइंड ऑफ हैमर कैंडल बन रही है जो एक रिवर्सल का साइन है फिर से, और मार्केट ने फिर से इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड किया है। और एज पर एनालिसिस जो हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि लोअर लेवल को होल्ड करती है तो क्या देखने को मिलता है, हर बार क्या देखने को मिला जब भी लोअर लेवल होल्ड किया आपने, यहाँ पे क्या हुआ था बाउंस बैक, यहाँ पे क्या हुआ था बाउंस बैक, यहाँ पे क्या हुआ था बाउंस बैक, तो इस बार क्यों बाउंस नहीं कर सकते। तो फिर से बाउंस बैक मार्केट में एक्सपेक्टेड है। जो हम कंटिन्यूस रेंज में मूव कर रहे थे, अभी तक भी रेंज ब्रेक नहीं हुई है और आगे भी हम इसी रेंज में ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब तक ये लोअर साइड लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता है तब तक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क करता ही रहेगा और ऐसी मार्केट हर बार यहाँ से बाउंस बैक करती रहेगी, वही एग्जैक्टली आज भी हुआ। ओवरऑल देखेंगे तो आज मोस्टली सेक्टर्स नेगेटिव थे, मेटल्स एंड आईटी सेक्टर को छोड़ दे तो सारे सेक्टर नेगेटिव थे, सिर्फ इन दो सेक्टर्स ने मार्केट को आज होल्ड किया था। और एक बार तो इंट्राडे में हमने विक्स 15 भी क्रॉस किया था, लेकिन डे एंड में जैसे ही मार्केट में बाउंस बैक आता है विक्स फिर से लोअर लेवल्स पे आ जाता है और फिर से 14 के बिलो विक्स आ चुका है। वो अभी भी बता रहा है कि मार्केट अभी भी रेंज में ही ट्रेवल करेगी। तो ये तो बात होगी डेली टाइम फ्रेम पे। अब इंट्राडे चार्ट देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग, फर्स्ट 5 मिनट में बहुत शार्प डिप, यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और एक बार तो हमें दिख भी रहा है मार्केट काइंड ऑफ यहाँ सपोर्ट ले रही है। अब देखिए मार्केट एक बार यहाँ सपोर्ट जरूर ले रही है, लेकिन फाइनली यहाँ इस कैंडल से क्लियर कट सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया। और जब कोई इंपॉर्टेंट जोन या लेवल ब्रेक होता है तो बहुत शार्प सडन मूव देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी पोजीशंस होती है, स्टॉप लॉस बहुत सारे हिट होते हैं वहां पे, तो उसके बाद सडन शार्प मूव हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट कहीं नहीं रुकता है जब तक मार्केट डे लो नहीं लगाता। सारी रेड कैंडल्स आपको दिख रही है, देखिए मार्केट कहीं नहीं रुका, कहीं भी सिंगल कैंडल पे भी हमें बाइंग नहीं दिखाई दी मार्केट में, कंटिन्यूस शार्प डिप
डे लो तक मार्केट में आया और फिर फाइनली मार्केट दोबारा रिकवर करता है और लेवल टू लेवल वर्क करते हुए हम मार्केट को फिर से देखते हैं। अपसाइड जाता है तो 15580 अब एज अ सपोर्ट का वर्क कर रहा था, जरूर डिप में एज अ सपोर्ट का वर्क करता है। फिर हम इस जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जोन ब्रेक होने के बाद तो आपको क्लियर हो चुका था कि फिर से मार्केट में हम बुलिश हो सकते हैं, जोन को फिर से मार्केट होल्ड करी, इंपॉर्टेंट जोन तो है ही, फिर से इसके अबव आ चुकी है तो फिर से मार्केट अप ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। अप ट्रेंड में गए, दोबारा डिप आया, लेकिन इस बार फिर से जोन ने सपोर्ट का वर्क किया और बाउंस दिया मार्केट को। अच्छी चीज क्या हुई, जोन के अबव क्लोज हुए हैं तो फिर से एक अप ट्रेंड मार्केट में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ओवरऑल इंट्राडे मार्केट थी, अब आगे क्या व्यू पॉइंट है, ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन तो नेगेटिव व्यू पॉइंट बता रही है। देखिए आप ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, 15700 के अबव हम क्लोज हुए हैं, लेकिन यहाँ नहीं बता रहे कि 15700 के अबव क्लोज होना चाहिए था। यहाँ देखो पुट साइड अनवाइंडिंग हुई है, कॉल साइड गजब की राइटिंग, टोटल पोजीशन भी कॉल साइड 90,000 के आसपास है, पुट साइड 74,000, 15,000 का गैप है, फिर भी क्लोजिंग 15700 के अबव आई है। दो पोजीशन बिल्कुल भी ये नहीं बता रही ऑप्शन चेन में कि ऐसा होना चाहिए था। पहले हमारी मंथली एक्सपायरी, तो ये जो 10-15,000 का गैप है ना, ये कोई मैटर ही नहीं करता है कल के लिए। कल हमें 60-70-80,000 का भी वही इजिली ऐड होता हुआ दिखता है किसी पोजीशन में, तो कल मॉर्निंग की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जानी चाहिए, 15700 को हम होल्ड करेंगे। तो आप कल लॉन्ग्स बनाते हैं तो उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 15700 और उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग्स बना सकते हैं। लॉन्ग्स में टारगेट्स क्या होंगे, लॉन्ग्स में आपके टारगेट्स होंगे एवरी 50s लेवल पे, पहला टारगेट 15,750 एंड उसके बाद 15,800, जो दिख रहा है कि मैक्सिमम मार्केट कल वहां तक जा सकती है, उसे ब्रेक करना काफी मुश्किल हो जाएगा, कि यहाँ पे जो गैप है वो फिल करना बहुत मुश्किल है। 15,700 पे तो क्या था गैप, 15,000 इजिली हो सकता है फिल, 15,800 पे मोर देन 1,00,000 का गैप है, कॉल साइड 1,33,000 का ओआई है एंड पुट साइड 31,000 का ओआई है, बहुत मेजर 1,00,000 का गैप है। तो लॉन्ग्स एंड कॉल्स के लिए तो क्लियर हो चुका है कि कहाँ बाय करना है और क्या टारगेट्स होंगे, पुट्स कहाँ बाय करनी है, पुट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 15,650 किलो ही बाय करनी है, क्योंकि 15,650 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने दिखाया। आप देखिए आज अपर लेवल से दोबारा एक बार डिप आ रहा था, लेकिन फिर से इस लेवल ने मार्केट को सपोर्ट दिया था, तो पुट में एंट्री 15,650 के बिलो ही करनी है। इनके मिड में क्या करें फिर, हमने 15,700 के अबव बता दिया कॉल बाय करनी है और 15,650 के बिलो बता दिया पुट बाय करनी है, ठीक है, और उसमें टारगेट होगा 15,600, ठीक है, कॉल के टारगेट मिल गए, पुट के टारगेट मिल गए। अगर मिड में रहती है ना 15,700 और 15,650, कोई ट्रेड मत बनाओ यार, वेट करो आराम से कि मार्केट किसी साइड ब्रेक करे, फिर अपने ट्रेड बनाने हैं। ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी क्लियर हो चुकी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लियर हो चुके हैं, पोजिशनली क्या व्यू पॉइंट बन रहा है वो भी हमने आपको दिखा दिया, और हमने ओवरऑल आपको क्या बताया, बाउंस एक्सपेक्टेड है। और उसका एक और रीजन क्या है, हमने ट्रेंड लाइन भी डिस्कस की थी डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहां भी देखिए ट्रेंड लाइन को भी हमने होल्ड किया है। प्रीवियसली ट्रेंड लाइन से बहुत अच्छा बाउंस देखा था जो 15900 हमने लगाया हाई, इस बार भी ट्रेंड लाइन इंट्राडे में जरूर ब्रेक किया लेकिन डेली टाइम फ्रेम है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया है, क्लोजिंग हमारी ट्रेंड लाइन के अबव ही आई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो मार्केट में बताता है कि बाउंस बैक आना चाहिए मार्केट में। निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो चुका है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे कि भाई बैंक निफ्टी में क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कल के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई और वहां से कंटिन्यूस शार्प डिप देखने को मिला और लोअर साइड इस लेवल ने मार्केट को आज सपोर्ट दिया 34,250 के आसपास देखेंगे, तो काफी टाइम मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। यहाँ भी हमें दिख रहा है सेकेंड टाइम दोबारा जब डिप आया तब भी हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया और वहां से फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है जहाँ ऑलमोस्ट 34,600 के जस्ट बिलो हमने हाई लगाया था और डे एंड में क्लोजिंग भी जस्ट उस लेवल के बिलो आई है। तो ये इंट्राडे मार्केट थी बैंक निफ्टी की, सिमिलर निफ्टी की तरह ही कंटिन्यूस मॉर्निंग में डिप, फिर मार्केट ने एक बेस बनाया और वहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ भी देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और तो ये बैंक निफ्टी इंट्राडे मार्केट होगी, कल के लिए एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बनाए। अब बैंक निफ्टी में आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तो होगा 34,250, मेजर सपोर्ट लेवल होगा, और निफ्टी में लॉन्ग सोच रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग्स के बारे में ही सोचेंगे। 34,600 जैसे इसके अबव जाते हैं तो आप लॉन्ग्स बना सकते हैं 34,800 टारगेट के लिए, ठीक है,
34600 जैसे ही ब्रेक करते हैं आप लॉन्ग्स बना सकते हैं 34800 टारगेट के लिए, पहला टारगेट होगा। और इन केस मार्केट 34800 को ब्रेक करती है तो हम मैक्सिमम 35000 तक जा सकते हैं। और अगर हमें पुट्स में एंट्री करनी है तो पुट में एंट्री करनी है आपको 34450 के बिलो। जैसे वहां भी हमने 50 पॉइंट का जोन नो ट्रेड जोन बता दिया था कि वहां कोई ट्रेड नहीं करना, तो यहां भी 34450 से 34600 के मिड में अगर मार्केट कहीं भी ट्रेवल करती है तो ट्रेड्स अवॉइड कर दो, बिल्कुल कोई ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं है। 34450 अगर ब्रेक होता है लोअर साइड तो 34250 टारगेट के लिए आप अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। ये आपका ट्रेडिंग सेटअप होता है बैंक निफ्टी के लिए। तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो हमने आपको ओवरऑल बता दिया है। ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, अब मार्केट में फिर से बाउंस बैक आना चाहिए और हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, तो आप पॉजिटिव बायस के साथ अपने ट्रेड बना सकते हैं मार्केट में। दो अपर लेवल से हमने बहुत शार्प सेल ऑफ देखा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताता कि मार्केट में कंटिन्यूस डाउनफॉल आएगा, क्योंकि ना विक्स 15 के अबव क्लोज हुआ है और ना हमारी क्लोजिंग हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के बिलो आई है, हमने उसे अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स के लिए आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड काफी लोग फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते थे, तो फायर्स का भी लिंक अब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां 30 डेज 100% ब्रोकरेज आपको रिफंड हो जाती है एंड फ्री अकाउंट ओपनिंग है। तो अब आप फायर्स में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक के थ्रू, फायर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।